पापं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव वन्दनामृत्यो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज अभी रेडी हो गई, फ्रेश हो गई हूँ, नहा लिया है और जा रही हूँ नीचे। एक्चुअली आज पूजा है तो पूजा के लिए सब कुछ हो रहा है, मतलब नीचे जो भी होगा वो आपको दिखाई दूंगी। और मुझे चेंज करना है, यही नहीं पहनना है, चेंज करना है। अभी चेंज करने के लिए टाइम नहीं था तो इसी वजह से ऐसे ही रेडी हो गई। बस थोड़ी देर में चेंज करूंगी और उसके बाद फिर जो भी आउटफिट होगा वो दिखाऊंगी आपको। तो आज पूजा किस चीज़ की है वो भी बता देती हूँ आपको। पूजा है आज गायत्री पूजा है, मतलब वो गायत्री पूजा किस लिए कर रहे हैं, एक तो दो रीज़न है, मतलब गर्भ संस्कार बोलते हैं ना उसके लिए भी कर रहे हैं। गर्भ संस्कार नहीं पता हो तो सर्च कर लेना, मतलब किसे बोलते हैं गर्भ संस्कार। तो गायत्री पूजा में क्या होता है, हवन होता है और उसमें गर्भ संस्कार दिए जाते हैं। तो मतलब जो पेट में बच्चा पल रहा है उस पर संस्कार दिए जाते हैं पेट में ही, तो इसी वजह से वो मंत्र वगैरह पढ़ के कुछ करा जाता है। तो वो आपको बाद में थोड़ी देर के बाद पता चल ही जाएगा। थोड़ी पूजा लेट है, बाद में दिखाई दूंगी मैं आपको जो भी होने वाला है, नीचे चल के दिखा देती हूँ। तो गाइज यहाँ पर पूजा की तैयारी चल रही है। एक्चुअली यहाँ पर सोफा जो है वो सीधे कर दिया है क्योंकि यहाँ पर पूजा होने वाली है। और पूजा की जगह आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर होने वाली है। तो जहाँ पर पहले हमारा डाइनिंग था यहाँ पर ही पूजा होने वाली है। और ये सब उधर रख दिया है क्योंकि यहाँ पर जगह चाहिए थी, काफ़ी लोग बैठने वाले थे तो इसी वजह से जगह खाली कर दी। और बस सुबह सुबह ये चाय वगैरह पीना चल रहा है सबका, और सुबह थोड़ी भागदौड़ हो रही है सबकी। यहाँ पर जो खाली करके जगह रखी है वो ये है, यहाँ पर पूजा होने वाली है। और जो लेडीज़ है खाना बनाने वाली वो भी आ गई है, मतलब आज काफ़ी सारा खाना भी बनेगा। मेरे बड़े पापा के घर से भी सब लोग आ गए हैं और मेहमान भी है यहाँ पे। भाई दीपावली रेडी भी हो गई है, चाय सबके लिए, सबको यहाँ पर नाश्ते की तैयारी चल रही है सबका। सबकी हो गई चाय, ये इनके लिए। अच्छा अच्छा, क्या चल रहा है आप लोगों का? बस सो रहे थे ये अरे तुम्हारे भाई के बाल बाल चाय वाले चले गए, बट मेरे हस्बैंड फिर भी हैंडसम लगते हैं। तू वैची नहीं बोल रही, तू कैची बोल रही, बता बताना बताना कैसे सांग रही है। कैसे बोल रही है? अरे ये क्या चल रहा है, नहा लिया सुखाने के लिए? कैसा लग रहा है अब? मैंने तो मैं सुबह नहा लिया, आज मैं मान नहीं हो रहा क्या, सुबह ही नहाकर तैयार हो। मैं सुबह ही नहाती हूँ आज, लेकिन आज सभी लोग जल्दी उठ गया तैयार। हाँ इसी वजह से नहीं। अरे कुछ भी ट्रिपन क्यों जाता है? ये देखो यहाँ पर दीपाली ने लाया है नाश्ता। एक्चुअली यहाँ पर मैं चम्मच भूल गई वो। एक्चुअली मैं अपना काम कर रही थी, वीडियो एडिट करना था मुझे, इसी वजह से वो ऊपर ही लेके आई है। तो यहाँ पर ये मेरा नाश्ता है, ये माही का नाश्ता है। पोहा में थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा लग रही है, घर वालों ने बनाया ये, ये वो कुक रखे तो उन्होंने बनाया है। गाइस मैंने कुछ कुर्तीज की शॉपिंग की है, वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, तो सब कुछ आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर के बाद। बट सबसे पहले आपको बता दूं, इस इंडिपेंडेंस डे पे शुरू हो गई है बुलबुल फ्रीडम सेल। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक वो सेल है और उस सेल का आप फायदा उठा सकते हो, जहाँ पर आपको अप टू 75% ऑफ मिल जाएगा अप्रेल फुटवेयर गैजेट्स एंड होम एंड किचन के आइटम्स पे, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है आजादी का जश्न। और साथ साथ आपको बाय वन गेट वन फ्री भी मिल जाएगा और बहुत सारे शानदार डिस्काउंट भी मिल जाएंगे एक से ज्यादा शॉपिंग करने पर। मतलब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। सेल पे जाने के लिए आपको क्या करना है, मेरे लिंक पे क्लिक करना है, मेरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके आप बैनर पे पहुंच जाओगे, उस पर क्लिक करना है और आप सेल पे पहुंच जाओगे। और उसमें जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, सेल का फायदा उठा सकते हो। जल्दी से परचेस करिए, जो भी आपको परचेस करना है, हाथ से मौका जाना नहीं चाहिए।
बहुत ही बढ़िया बढ़िया कुर्ती है गाइस। यहाँ पर ये कुर्ती है कॉटन की, और आप लोग बोलते थे ना कि कॉटन की कुर्ती दिखाया करो दी, तो यहाँ पर ये कॉटन की कुर्ती है। और आप देखो कितनी प्यारी कुर्ती है, कलर देखो कितना प्यारा है, बेबी पिंक कलर है। इसके बाद इस पे यहाँ पे इस तरह से ये थोड़ा सा गोटा पट्टी लगा के थोड़ा सा डिजाइन क्रिएट किया है बटन्स वगैरह लगा के। और ये जो बटन्स है वो ओपनेबल बटन्स है। यहाँ पर सिल्वर कलर की गोटा पट्टी लगाई है, इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज्यादा प्यारा आता है। इसके नीचे आप व्हाइट कलर का लेगिंग पहन सकते हो, व्हाइट कलर का स्ट्रेट पैंट पहन सकते हो, व्हाइट कलर का प्लाजो पहन सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो चुन्ना टिप है, और उसके बाद यहाँ पर घेर है पूरा, कटवट नहीं है इस कुर्ती में। बहुत ज्यादा अच्छी कुर्ती है गाइस। फ्रंट नेक इसका राउंड नेक है, और पीछे से भी इसका राउंड नेक है, बट थोड़ा सा पैक टाइप का है। और कलर देखो कितना प्यारा है इसका, बेबी पिंक कलर है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, 599 रुपीज प्राइस है। कॉटन का कपड़ा है, 599 रुपीज प्राइस में आपको मिल रहा है। वैसे इसमें मेरा जो साइज है वो यम लिया है मैंने, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे परचेस कर सकते हो। तो ये है पहली कुर्ती। उसके बाद सेकेंड कुर्ती है ये गाइज, ब्लैक कलर की कुर्ती है। और आप सभी को पता है ब्लैक कलर मेरा कितना ज्यादा फेवरेट कलर है। 3/4 स्लीव्स है इसमें, और उसके बाद इसमें जो प्रिंट दी है वो गोल्डन फॉइल प्रिंट दी है। यहाँ पर रेड कलर की इस तरह से ये क्लॉथ की बटन टाइप में है ये, और इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। इसके नीचे आप गोल्डन लेगिंग पहन सकते हो, गोल्डन प्लाजो पहन सकते हो, गोल्डन स्ट्रेट पैंट पहन सकते हो, उसके बाद रेड कलर के लेगिंग पहन सकते हो, रेड कलर का स्ट्रेट पैंट पहन सकते हो। आपके अकॉर्डिंग इसे स्टाइल कर सकते हो, आपको जैसे स्टाइल करना है वैसे स्टाइल कर सकते हो। राउंड नेक है इसका। उसके बाद यहाँ पर देखो ये घेर भी है इसमें, और इसके बाद यहाँ पर कट है थोड़ा सा दिया हुआ, इसकी वजह से इसका लुक ना बहुत ही अच्छा आता है, स्टाइलिश आता है। और इसमें भी मेरा साइज यम मैंने लिया है, जब भी मैं परचेस करती हूँ एक ब्लैक कलर की कुर्ती तो उसमें होती ही है। और इसकी जो प्राइस है वो 599 रुपीज है, बट डील ऑफ द डे में आपको इतनी कम प्राइस में ये मिल रही है, 425 रुपीज में ये आपको मिल रही है। तो आप सोच सकते हो इतनी सुंदर कुर्ती आपको कितने कम प्राइस में मिल रही है। और रेयन मटेरियल में ये कुर्ती है। और थर्ड जो कुर्ती है वो है ये, एक्चुअली जो मैंने पहले दिखाई बेबी पिंक कलर की कुर्ती, सेम उसी तरह से ये कुर्ती है, मतलब उसी में से है ये कुर्ती। ब्लू कलर में मैंने ली है, इसमें भी व्हाइट कलर की प्रिंट है, यहाँ पर सिल्वर कलर की गोटा पट्टी लगाई है, व्हाइट कलर की बटन दी है थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए इसका, और राउंड नेक दिया है। इसमें मैंने साइज अपना एम मंगाया है, तो एम साइज में मैंने ली है ये। 3/4 स्लीव्स है इसकी, और यहाँ पर देखो आप घेर, इसको भी वैसा ही है, सेम टू सेम कुर्ती है, बेबी पिंक कलर की सेम कुर्ती, बट कलर चेंज है, ब्लू कलर है इसमें। बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है गाइस कुर्ती पहनने के बाद। और उसके बाद इसका भी कॉटन मटेरियल है, और इसकी भी प्राइस 599 रुपीज है। तो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग सच में ये कुर्ती बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, मतलब सारी कुर्ती जो मैंने परचेस की है ना इस बार, वो सारी कुर्ती प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर देखो ये रेड कलर की एक कुर्ती है, ये भी बहुत प्यारी कुर्ती है गाइस, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर कुर्ती है, रेयन मटेरियल में ये कुर्ती है। उसके बाद यहाँ पर 3/4 स्लीव्स दी है, स्लीव्स के एंड में गोटा पट्टी लगाई है, पतली सी गोटा पट्टी गोल्डन कलर की। उसके बाद यहाँ पर आप देखो गोल्डन कलर की पूरी यहाँ तक बटन दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो ना, नीचे कट दिया हुआ है, और थोड़ा सा घेर भी है इस कुर्ती में, नीचे इस कुर्ती के एंड में मतलब जो फ्लेयर है उसमें भी गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है, गोटा पट्टी लगाई है पतली सी गोटा पट्टी गोल्डन कलर की, इसकी वजह से इसका लुक इतना प्यारा आता है। और उसके बाद यहाँ पर देखो पैक नेक है, बहुत ज्यादा सुंदर लगी मुझे ये भी कुर्ती, और इसका जो मटेरियल है वो भी रेयन मटेरियल है। प्राइस आप सुनोगे ना इसकी हैरान हो जाओगे, 549 रुपीज में सिर्फ आपको ये कुर्ती मिल रही है, बहुत ही बढ़िया कुर्ती है। उसके बाद जो मैंने पहनी है वो भी कुर्ती इसी कलेक्शन में से है, मतलब अभी ली है मैंने, तो आप देख सकते हो अभी इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी थोड़ा सा ऐसे पट्टी लगाई हुई है यहाँ पे, और प्रिंट दी हुई है ओवरऑल इस कुर्ती पे, यहाँ पर बटन्स दी है। उसके बाद ये जो कुर्ती है वो आप देख सकते हो, इसमें भी घेर है कुर्ती में, यहाँ पर चुन्नटे हैं, और मुझे बहुत पसंद आई, ज्यादा नेक बड़ा नहीं है, कंफर्टेबल है, कुर्ती को कहीं पर भी पहन सकते हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है कुर्ती। ब्लैक कलर है, अगेन मेरा फेवरेट कलर,
इस टाइम मैंने दो ब्लैक कलर की कुर्ती ऐड की है, बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। ओवरऑल कुर्ती में प्रिंट है, इसके नीचे आप कोई भी कलर का लेगिंग पहन सकते हो, कोई भी कलर का स्ट्रेट पैंट पहन सकते हो, कोई भी कलर का प्लाजो पहन सकते हो, आप पे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी गाइस। एवन मटेरियल में ये कुर्ती है, इसकी जो प्राइस है वो है 599 रुपीज। 599 रुपीज में ये आपको कुर्ती मिल जाएगी, तो बहुत अच्छी डील है गाइस, मिस मत करिए। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज जब मैं नीचे आई तब यहाँ पर खाना बनाना चल रहा है, ये आंटी यहाँ पे दाल बना रही है, ये खीर बन चुकी है, या आज के दिन खीर बनती है गायत्री अध्याय के दिन, और उसके बाद यहाँ पर रोटियाँ भी बनाई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें बनेगी आज। और यहाँ पर हार वगैरह बना रही है आंटी और मेरी दीदी, इनका हार बनाना चल रहा है क्योंकि घर के भी फूल थे कुछ और कुछ खरीद के लाए थे, तो वो सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेरी नानी सो रही है और ये मेरी बड़ी मम्मी सो रही है, क्योंकि इनसे कुछ होता नहीं है ज़्यादा, तो इसी वजह से वो बैठा है भी नहीं जाता है उनसे ज़्यादातर, तो इसीलिए वो ऐसे ही लेट जाते हैं। तो यहाँ पर बस वही हार वगैरह बन रहे हैं, यहाँ पर कुछ हार बन गए थे तो भगवान को भी पहना दिए। और यहाँ पर देखो ये भगवान की पूजा कुछ इस तरह से हुई थी, यहाँ पर फ़ोटो को भी हार पहना दिए हैं, तो इधर वाले फ़ोटो को भी पहना दिए हैं, कुछ खरीद के लाए थे और बहुत सारे घर के थे, तो घर का पेड़ तो आपको पता ही है कितने सारे फूल निकलते हैं घर के, तो इसी वजह से वो बना रहे थे। और यहाँ पर ये हेल्प कर रहे हैं दीपाली की कुछ निकालने के, मम्मी और दीपाली कुछ निकाल के मांग रही थी इन्हें। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस है, मतलब गाड़ी का मेस, खेती का मेस, बहुत सारा मेस है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि क्या है कि सारी चीज़ें काम की है, इसी वजह से रखना ही पड़ता है, कब क्या काम आ जाए तो इसका पता नहीं ना, इसी वजह से ये सारी चीज़ें रखना ही पड़ता है। ये चौरंग चाहिए थे आज, क्योंकि आज पूजा होने वाली है तो इसी वजह से चौरंग का काम पड़ेगा। और यहाँ पर बन रही है रोटियाँ, बस ये खाना बन रहा है, खाना बन जाए उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करेंगे, क्योंकि वो पूजा जो करने वाले है ना, जो लेडीज़ करने वाली है पूजा, ये लेने गए थे तो ये लेके आ जाएंगे और उसके बाद वो लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सारा पूजा का सामान वगैरह मम्मी ने निकाल के रख दिया है, यहाँ पर सबको बैठने के लिए और पूजा के लिए ये सब कुछ निकाल के रखा है, और सब आ गया है, वो लेडीज़ आ गई है, ये लेके आए थे उन्हें। तो यहाँ पर ना आज के दिन पीला पहनना पड़ता है, मतलब येल्लो का मान होता है गायत्री यज्ञ के दिन। हे गाइस, पूजा के लिए रेडी हो गई और ये वाला ड्रेस पहना है जो आपने देखा हुआ है इससे पहले, ये वाला कुर्ता और इसके नीचे रेड लेगिंग। और हाँ, नीचे जाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है। एक्चुअली ऊपर आ गई थी मैं चेंज करने के लिए, अद्विक को रेडी कर दिया, अद्विक ने भी घर का ही ड्रेस पहना था, जो टी शर्ट और पैंट है उसका, तो इसी वजह से उसको भी कुर्ता पैजामा पहना दिया, इनके लिए भी निकाल दिया। एक्चुअली मैंने सबके लिए पिंक लाया था आज, माही ने सिर्फ पिंक नहीं पहना, उसको पहनना नहीं था आज, क्योंकि मम्मी ने बोला कि येल्लो ही पहनना है सबको, तो येल्लो मैंने लाया था बट कल ही पहन लिया, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा, मतलब अभी कल पहन लिया तो वही नहीं पहन सकते, पूजा में थोड़ा सा कोरा होना चाहिए, मतलब जो पहना हुआ नहीं है वो होना चाहिए, उसे कोरा बोलते हैं हमारे साइड में, तो वो होना चाहिए। तो ये ऐसा ड्रेस था कि जो मैंने पहना हुआ नहीं था, तो इसीलिए ये पहन लिया अभी। चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाके दिखाती हूँ आपको क्या चल रहा है। द्वी क्या खा रहे बेटा? नमकीन, चूड़ा, वही नमकीन ही बोलते उसे। और अद्वी बहुत सुंदर लग रहे हो आप तो नीचे। हाँ पूजा के लिए ना, हाँ 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 हाँ। एक्चुअली मेरे पास इतने सारे कुर्तीज़ है येल्लो कलर के, इतने सारे कि आपको क्या ही बताओ, और आपने भी देखे हुए हैं, बट पता नहीं क्यों, मतलब मम्मी ने पहले बताना चाहिए था ना कि येल्लो चाहिए आज के दिन, तो अभी ये घर वाले तो कभी भी, मतलब मम्मी अगर टाइम पे भी बता दे कि येल्लो चाहिए तो कभी भी पहन सकते हैं, मतलब उनके पास ही है, मुझे तो वहाँ से लाना था ना, तो इसी वजह से। और येल्लो कलर का वो एक कुर्ता लाया था मैंने जो पहले दिन ही पहन लिया, और उस टाइम भी मम्मी ने नहीं बताया कि ये आज के दिन क्यों पहना, दूसरे दिन पहनना चाहिए था, तो उस टाइम भी मम्मी ने नहीं बताया, और फिर आज सुबह बता रही है कि मम्मी येलो कलर का ही पहनना है, और मैंने बोला कल पहना था तो कल क्यों नहीं बताया येलो कलर का पहनना है करके। चलो यार कोई बात नहीं, दिल साफ होना चाहिए, सब कुछ अपने आप हो जाता है। अच्छा बस यहाँ पर कल्याणी और आनंद को भी टाइम पे बताया कि येल्लो कलर का कुर्ता पहनना है, वो भी बोला कि यार मेरे पास अभी येल्लो कलर का कुर्ता भी नहीं है, बट ये जो येल्लो कलर का कुर्ता है वो शादी के टाइम का है, विवेक के शादी के टाइम का, मतलब जब हल्दी के टाइम पे वो पहना था सब लोगों ने येल्लो कलर के कुर्ते, तो उसमें से फिर घर पे था येल्लो कलर का कुर्ता, तो वो उसने पहन लिया। और कल्याणी के पास तो साड़ी थी, उसकी साड़ियाँ यहाँ पर ही रहती है, क्योंकि साड़ियाँ पहनी नहीं जाती है ना, तो इसी वजह से उसकी साड़ियाँ यहाँ पर ही रहती है।
उसमें से ही येलो कलर की साड़ी फिर कल्याणी ने पहन ली, और दीपाली के पास तो थी ही येलो कलर की साड़ी। दीपाली रेडी होने गई थी तो दीपाली आ गई है रेडी होके, तो वो भी बैठ गई है हमारे पास। अभी पूजा करेंगे और आगे का आप देख लीजिए। तो गैस पूजा वगैरह हो गई है, सब कुछ हो गया है, अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। तो बस इसी के लिए मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ, और इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ गैस अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलेगा। तो चले फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। ध्यान रखना अपना।